सुनो बेटा, हमारा टॉपिक है पॉलीनोमियल्स, ठीक है। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं, 3x² + 9x - 18, 3x² + 9x - 18, ठीक है। वो वन तो एक है, तो इसे जवाब। सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस सर, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इसके अंदर मुझे आप कांस्टेंट बताओ क्या है? 18, ओके, माइनस 18 इज द नंबर। इसके अंदर मुझे आप कोफिशियंट बताओ। 3 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, 9 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया है? एक्स। एक्स के क्या क्या पावर्स है? 2, 1, और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कौन है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ओके। इसमें कितनी टर्म्स है? 3। तो इसका दूसरा तरीका है बोलने का, ये कौन सा नॉमियल है? ट्राइनोमियल। आज का हमारा टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। ये समझना बहुत जरूरी है। पॉलीनोमियल तो आपने समझ लिया, अब हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। कहां ही लिखना, सिर्फ ज्ञान था, लिखना कुछ भी नहीं आपने, ठीक है। लेखन के बस आपने समझना है। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले पूर्वोच्युत पॉलीनोमियल कहां होने में जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या था? हाँ पढ़ा है ना सबने, विंटर में सबने पढ़ा है ना पॉलीनोमियल क्या होता है? पॉलीनोमियल जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल से पॉलीनोमियल जीरो, ओके। अच्छा लीनियर पॉलीनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? 1, श्योर? लीनियर पॉलीनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3। थोड़ा थोड़े से पता, ज्यादा शुरू में असल पर पता क्या एक्चुअली क्या है? अगर इसका पॉलीनोमियल छिनवा हम उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स। तो पॉलीनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं? पी ऑफ एक्स। Say for example this is x + 4. Which polynomial is this? Binomial. Binomial को अलग, okay, degree हिसाब है, on the basis of degree. Linear polynomial. So this is linear polynomial, ठीक है? Yes sir. अब मैं आपको zero बताऊंगा, zero क्या होता है, इसकी geometrical meaning क्या होती है? Zeros की geometrical meaning क्या होती है? वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसी रिलेटेड आपकी पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। उसमें कुछ ग्राफ्स गिवन है और आपने डिसाइड करना है जीरो कितने सारे हैं। अब देखो जीरो क्या होता है, अगर हम इसका ग्राफ लेंगे, ठीक, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में पढ़ा। लीनियर पॉलीनोमियल means linear. अगर आप linear में से ए आर को इरेज करोगे तो क्या बचा? सो इट्स अ लाइन, ठीक है, बेसिकली एक लाइन है, ठीक है। तो मतलब इसका जो ग्राफ हम लेंगे वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। यू गॉट इट? यस सर। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? एश निमान ये मतलब वाई, क्या लेते हैं? Y लेते, ओके, यस सर, व्हिच इज इक्वल x + 4। यूस्ति त्रियम चतुर्थांश परमत लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सेवन का पता? यस सर। अपने तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यस सर। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉलीनोमियल इज लिखा पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इट्स अ लीनियर पॉलीनोमियल।
अब हम इसके जीरो चेक करेंगे, इसके जीरो कितने हैं और जो इसका जीरो है उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। कट्स अंडरस्टैंड के साथ हमारा टॉपिक क्या है, जीरो दोनों तरीके से पढ़ेंगे, एक इसका वैल्यू हम निकालेंगे, दूसरा हम उसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे वो क्या होता है। सो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, हमने पी ऑफ एक्स के बदले क्या लिखा, वाई, ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर फर्स्ट थ्री एम चैप्टर पूर्व मत हो, अगर नहीं पढ़ाए तो याद रखो, इट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर क्योंकि दोनों पावर वन है, इक्वेशन बीच में इक्वालिटी है, इन टू वेरिएबल्स मतलब यहां पे दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए, तो क्या पढ़ेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तेलुगु पर ध्यान कारण इंग्लिश। तो भाई ये तो लाइन ड्रॉ करो, जब आप लाइन को ड्रॉ करो ध्यान रहे वो सा एक पॉइंट मज कचा लाइन पास गा, एक पॉइंट से इनफिनाइटली मनी लाइन पास होती है, ठीक है, गॉट इट, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, इनफिनाइटली मनी लाइन। अच्छा दो पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, दो पॉइंट से अगर हम लाइन पास करेंगे कितनी लाइन पास होगी, वन, क्योंकि हम ट्राई करते हैं हमें ए और बी को ज्वाइन करना है, एक लाइन, ठीक, फिर से ट्राई करेंगे इन्हीं दो पॉइंट से पास करनी है लाइन, कितनी लाइंस हो गई, दो, दो है कि एक है, फिर से ट्राई करेंगे कितनी लाइंस है, एक लाइन, ठीक है। तो एक पॉइंट से इंफिनाइटली मेनी लाइंस पास होती है और दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है। तो ये इंसान तो लाइन आज ड्रॉ करें कम से कम कुछ पॉइंट का सा, यू गॉट इट, क्लियर, तो ये तो दिया असल। देखो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुट एक्स इज इक्वल जीरो, मैश इज पॉइंट कड़ी। अगर आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं ना, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर, ये पता है आपको, ठीक है, नंबरिंग कैसे होती है, यहां से प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इतना कंसेप्ट होगा, अब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस एंड इन द मिडल इट्स ऑरिजिन, दैट इज जीरो, क्लियर। तो अगर तो एक पॉइंट लोकेट उसका, से फॉर एग्जाम्पल यच पॉइंट आप ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स बताने, तो ये पॉइंट कित पर्च यदस बनामु, एमुक मतलब गो ऑरिजन पच इस पॉइंट में राइट साइड को था वन टू थ्री, यदस पॉइंट के हिर कंच पॉइंट ये है, पॉइंट पी को आप लोकेट करो, ऑरिजन से आप कितने कदम चले, वन टू थ्री, अभी हम पॉइंट के पास नहीं पहुंचे, वो क्या शेम खतर काबू फोर खस कुछ कदम आ जोर तो नजर क्या आ, ठीक है, एक्स उसको कोता गए वाई की तरफ, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा थ्री, क्या ये दो पॉइंट है कि एक पॉइंट है, जो पॉइंट के नाफ पॉइंट एक पॉइंट है। अब बोलोगे आप यहां पे तो टू एंड थ्री है, ये इस पॉइंट के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, मतलब यू सी पॉइंट कंपोनेंट आगोस यपय ब्याक्षस यपय, यूस यपय रु कंपोनेंट यू गो एक्स, यूस ये कंपोनेंट यू गो वाई, ये वुशु ये लेंगथ कसा है थ्री वन टू थ्री ये, और ये वाली लेंगथ कितनी है टू, तो इस पॉइंट के दो कंपोनेंट से एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ये दो पॉइंट्स नहीं है एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यू सा गॉड नुक्ष ये गो एब्सिसा,
यूस द्वयंश इगो ऑर्डिनेट एंड दिस इज कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्लियर? यस सर. ठीक सर. अगर तो लोकेट करो माइनस वन का मा फोर, आपने किसको लोकेट करना है? ये दो है कि एक है? एक. ये एक पॉइंट है. कंपोनेंट कितने हैं? दो. दो. पहले एक्स की तरफ जाएंगे, फिर बोलो एक्स ऑरिजन पे हो आप. आप मुझे बोलो राइट जाओगे लेफ्ट जाओगे? जितना जाओगे माइनस वन. ध्रुव तो योग युद्धम स्टेशन पे. अभी कितना जाना है? फोर. अब अप जाओगे डाउन जाओगे? Up. कितने कदम? फोर. इट्स योर थाउन नजर. वन ठीक है, देन टू, देन थ्री, देन फोर. सो हियर इज द पॉइंट क्यू विच इज माइनस वन कामा फोर. नो सॉरी सॉरी गलती होगी, गलती. इट्स थ्री कामा टू, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट थ्री है, वाई कोऑर्डिनेट टू है. ओके, तो यहां से ये पॉइंट बन गया. इस पॉइंट के दो कंपोनेंट्स है. ठीक है बेटा, आपको उस माइनस वन एंड इट्स प्लस फोर. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर माइनस वन कामा फोर. एंड इन जनरल जनरल पॉइंट लिखा एक्स कामा वाई. क्या लिखते हैं? एक्स का वैल्यू होता है, देन वाई का वैल्यू होता है. गो वाई के लिए. तो ये दोनों अश लाइन करें ड्रॉ, और ये लाइन है. इट्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इट्स अ लाइन. इस लाइन को हमने ड्रा करना है, तो कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? दो पॉइंट्स. ठीक है, ध्यान रहे. हम क्या करेंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब आप बोलोगे वन ले सकते, यस. टू ले सकते, यस. आप एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो. अब मैंने सबसे इजी पॉइंट लिया, कौन सा? जीरो. ठीक है, तो पुट करने के बाद देखो वाई का वैल्यू कितना आएगा. वाई इज इक्वल टू जीरो. जीरो प्लस फोर इज फोर. तो जब आपने एक्स का वैल्यू जीरो दिया, वाई का वैल्यू कितना आया? फोर. तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? जीरो कामा फोर, नॉट फोर कामा जीरो, क्योंकि पहले एक्स का वैल्यू आएगा, फिर जाके वाई का वैल्यू आएगा. इट इज जीरो कामा फोर. क्लियर? पहला पॉइंट हो गया. दूसरा, अब इस बार एक्स का वैल्यू कुछ और लेते हैं. पुट एक्स इज इक्वल टू वन. पुट एक्स इज इक्वल वन. So y is equal to 1 plus 4. So y is equal to 5. अब बोलो 1 किसके साथ पेयर बना रहा है? Yes, 1 comma 5. तो कितने पॉइंट्स है मेरे पास? चार है कि दो है? दो. Only 2 पॉइंट्स. और लाइन ड्रा करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? दो. अब मैं इनको लोकेट करता हूं. देखो लोकेट करने के बाद कहां कहां पर. लिसन, पहला पॉइंट क्या है? जीरो. जीरो किसका वैल्यू है? एक्स का. ऑरिजन से राइट जाएंगे लेफ्ट जाएंगे? राइट. ये जीरो है ना? आईटी रोजर. ये जीरो है. अगर वन होता तो राइट जाते, माइनस फोर होता तो लेफ्ट जाते. फोर यूनिट्स. ये कितना है? जीरो. कहां जाएंगे? ऑरिजन पे ही रहेंगे. ठीक, लेकिन अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ. अभी और एक कंपोनेंट. कितना? तो फिलहाल चूज भी याद सी नुको दोषुन नुको खो. अब आगे कितना और? फोर. कहां जाएंगे? अप या डाउन? अप. वाई का वैल्यू है ना? Yes. तो वाई एक्सिस पे ढूंढेंगे. इट्स वन टू थ्री फोर. एक पॉइंट यहां पे आ गया. ठीक है, क्लियर? Yes, दूसरा पॉइंट, एक्स का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू? फाइव. ऑरिजिन से शुरू करेंगे. बोलो राइट जाएंगे लेफ्ट जाएंगे? कितने कदम? कितने यूनिट? एक यूनिट. ओके, तो इट्स वन यूनिट. मकलिया हुआ पॉइंट? नो. अभी कहां हुआ? वन. अब फाइव है. बोलो अप जाए डाउन जाए? आप. कितने? फाइव. यहां से मगर. ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव. ये कितने पॉइंट्स आ गए? दो पॉइंट्स आ गए. एक है जीरो कमा फोर, दूसरा है one. तो इनको ज्वाइन कर. ज्वाइन किया? लाइन yes, बन गई. yes, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? X. इस लाइन की इक्वेशन है. यही वो लाइन है जिसकी ये इक्वेशन है, जिसको हम लीनियर पॉलीनोमियल बोलते थे. ठीक है, वहां पे वाई नहीं दिखता है आपको, ताकि आज नहीं पूछा है वाई, बट आपने याद रखना है ये बेसिकली वाई होता है. ये पॉलीनोमियल ना, इसके अगर आपको याद होगा, चूंकि आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है,
तो उसी लेखा एक पर x square plus 4x plus 9 is equal 0. ये 0 क्या है? ये कहां से आया? ये basically यहां पे y होता है. क्या होता है? y. पता शो? नहीं पता? पढ़ा जो है second जब. परमा छो ना? जिसने परमा? सबने पढ़ा है ना second chapter? Yes, sir. ये क्या है? ये जीरो क्या होता है? y. ये बेसिकली y है यहाँ पे और हमने पुट किया हुआ होता है y is equal zero. ऐसे कैसे सपोर्ट करूँ मत? y. इस पर मैं कौन है? पुट x is equal zero. बेसिकली शेष करूँ मत आसान पुट y is equal zero. इस असल में क्या थोड़ी इक्वेशन? बात समझ में आ रही है? Yes. क्लियर हुआ? Yes. Same is the case here. तो ये जो पॉलिनोमियल है जिसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हो इसको हम डिनोट करते हैं p ऑफ x से जरूरत पड़ने पे, ठीक. और ये p ऑफ x जो है ये बेसिकली क्या है? y. तो y किसके बराबर है? ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. क्लियर? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन. तो लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? दो. तो मैंने कितने पॉइंट्स निकाले? दो. और ये पॉइंट बेसिकली है क्या? कोऑर्डिनेट्स. क्या है? कोऑर्डिनेट्स. तो मैंने दो पॉइंट्स निकाले, दो कोऑर्डिनेट्स निकाले, इन दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया. अब देखो, जब मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को भी पास कर रही है, वाई एक्सिस को भी पास कर रही है. मतलब पास करना, इसी तरह वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट, यही लाइन x एक्सिस से इंटरसेक्ट कर, ठीक. अब ध्यान, यदि ये x एक्सिस से इंटरसेक्शन कर, दिस इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. क्या शी? जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. ये जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. अब ये पॉइंट कौन सा है? चूंकि ग्राफ कौन है एग्जैक्ट के, ठीक है, थोड़ा सा लाइन बेसिकली वन टू थ्री यह योकन पानी कत इंटरसेक्ट कर करो काउंट वन टू थ्री आ फोर वो वैल्यू कड़ित तो इतना आपको समझ आया वो हम वैल्यू निकालेंगे पहले. तो ये पॉलिनोमियल है हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से, p ऑफ x के बदले हम y लिखते हैं. तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, और लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास कम से कम दो पॉइंट. लाइन हमने ड्रा कर दी. अब जीरो किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिकली जीरो किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिकली शी जीरो वन एट दैट पॉइंट इज यह जाए लाइन तो यह एक्स एक्सिस पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट कर. सो व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस अगेन लाइन इज. अगर बदल का क्वाड्रेटिक को साथ सुना पैराबोला सूचो इत एम पर. सो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इज व्हाट? जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल ज्योमेट्रिकली किसको बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. यह एक आप के वैसे हम है कम जितने वैसे हम है कम त्रिक्ते वैसे डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन. यो कुछ है ध्यान अभी सुनो बस. सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? आप उसको याद हो तुम जिस तरह बोलो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को सब वैल्यू एक्स उप यूसर्स ही पॉलिनोमियल जीरो से बना थी बोलो है, ठीक आपने बोला. ज्योमेट्री के लिए अगर हम बात करेंगे बोले सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या को? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द कर्व. कर्व इज द लाइन, यस द पैराबोला, यस द सर्कल, जो भी हो, ठीक है. क्लियर हो रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. यू गॉट इट? विद इन द ग्राफ फॉर एग्जाम्पल लाइन ही देव मैं आपको थे ध्यान अख लाइन अक्ष ये शेप पॉइंट मेरी तरफ ध्यान लाइन ये इस लाइन की कुछ इक्वेशन नमस्ते मैंने इक्वेशन पर अब आप चीज आवाना आप तो यू सी लाइन छ ना इसी यात्रा से कैसा पास वन टू क्या मज़ टू मज़ कहाँ से पास हो रही है टू यह पॉइंट्स क्या कोऑर्डिनेट्स आसल माशू पता पता शुभ पता है किसी को? पहले मैं आपको ये बताता हूँ तो शुरू वही अच्छी चीज़ पता है पर चुना इस सूरी पता चुना वाला त्याग सूरी पता
इंटरसेप्ट नाम सुना है कभी? क्या इंटरसेक्ट है कि इंटरसेप्ट? इंटरसेक्ट आपने सुना है, इंटरसेप्ट नहीं सुना है। इंटरसेप्ट CEPT जीरो ऑफ द फाइनल ग्रोथ पाइए। क्या लिखा मैंने? इंटरसेप्ट। इंटरसेक्ट है कि इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यहां ध्यान रखो, लिखना कुछ भी नहीं है, हीरो इसमें पाने पर याद। इंटरसेप्ट इसमें बनो इशा प्लेन या छोना प्लेन yes, ठीक सा मैं कुछ एक्सीज कर ड्रा yes, क्या क्या एक्स एक्सीज वाई एक्सीज एंकर प्लेन चोर हिस्स कौन से दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट हमारा टॉपिक क्वाड्रेंट ज्योमेट्री नहीं है ठीक सा मगर जीरो समझा चीज जरूरी बन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर अमन क्वाड्रेंट अंदर पॉइंट मिसाल के तौर पर यह पॉइंट ये पॉइंट यहां भी हो सकता है पॉइंट यहां भी हो सकता है पॉइंट यहां भी हो सकता है ठीक है और पॉइंट किस पर शोल लिखना एक्स कामा वाई क्या शोल लिखना एक्स कामा वाई वुछ वुछ एक्स स्कूल कोता जो मत वाई स्कूल कोता जो मत से फॉर एग्जांपल एक्स पक में 1 2 3 एक्स स्कूल कोता पक में 3 वाई स्कूल 1 2 3 4 यस क्या आते कोऑर्डिनेटस 3 कामा 4 क्लियर दोनों पॉजिटिव है ठीक है अगर वो इतपर होस 1 2 3 1 2 आपके कोऑर्डिनेट्स थे -3, 4 क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स सॉरी 2 सॉरी सॉरी -3, 2 क्लियर तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3, 2 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है यहां पे x नेगेटिव है y पॉजिटिव है क्योंकि अपर आ रहा है इस y एक्सिस इस कुछ से ये करा कवर पॉजिटिव है क्लियर तो पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है मतलब यहां मुझे ये क्या आसन दोनों में नेगेटिव उससे कित पर 1 2 3 1 2 3 तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, -3 क्योंकि y डाउनसाइड है तो दोनों नेगेटिव तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव सेकंड के अंदर जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव थर्ड के अंदर x नेगेटिव y नेगेटिव और फोर्थ के अंदर मुझे बोलो फोर्थ होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव सो 1 2 3 4 1 2 या 4, -2 क्योंकि डाउनसाइड चला क्लियर अच्छा बुजुर्ग यस पॉइंट एक्सीज पे क्वाड्रेंट्स अंदर द पॉइंट लाइज इनसाइड द क्वाड्रेंट वी कैन शिफ्ट पॉइंट द लाइज द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सीज वेदर एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सीज चाहे नेगेटिव एक्सीज चाहे पॉजिटिव वाई एक्सीज चाहे नेगेटिव वाई एक्सीज ठीक है जरा मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ से फॉर एग्जांपल शू यस 1 यो तुम छ 2 पर आप पॉइंट्स क्या इस्तेमाल करते हो नो पहले y x का वैल्यू होता है क्या होता है वर्ष ना x का वैल्यू 1 2 वो x का वैल्यू 2 मनुष्य इस एक को दूर खसा नशे बोल बस वो y का वैल्यू सुना है तो y का वैल्यू कितना होगा 0 याद छुआ क्वेश्चन लिखा इस पर कौन सा तो यू सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख सा 1 2 3 4 5 तो इस अनुमान में कुछ बनी है 5 उसके कोऑर्डिनेट्स या सेट पॉइंट्स दिस इज 5, 0 क्या बन जस 5, 0 ये पॉइंट किस पे लाई करता है एक्स एक्सिस पे तो एक्स का तो वैल्यू 5 है वाई का वैल्यू कितना होगा 0 क्लियर यस सर जल्दी जल्दी बोलियो यहां पे 1 2 3 इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बोलो वाई एक्सिस पे 0, 3 क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 है ये वाई पे पॉइंट है ठीक है समझ आवा एक सी तमस मुझे जवाब सर बुतरा पॉइंट मैं मुझे जवाब 1 2 3 4 5 6 0, -6 0, -6 क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव है y एक्सिस पे जल्दी से बोलो ना 1 2 3 4 5 0, -5 क्योंकि ये x एक्सिस पे क्लियर गोवा यस सर कोई उस x
एक्स एक्सिस पर पॉइंट आस तथा आस वाई उक वैल्यू जीरो क्या आस वाई उक वैल्यू जीरो मतलब दो यम वैल्यू आस जीरो एक्स उक चिटू वन टू वाई उक माशुस वैल्यू की तो क्या बनाई जीरो कमा जीरो यूस वाई एक्सिस पर पॉइंट आस तथा क्या आस तथा आस एब्सिस आस जीरो मतलब गोल्डन वैल्यू जीरो दो यम आस पर कोता आस पर मिले से क्लियर बने जल्दी ये मे कोऑर्डिनेट्स जल्दी जल्दी फोर कमा जीरो वन टू थ्री इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो जल्दी जीरो माइनस थ्री क्लियर आपको पता है जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करते हैं ना उन्हीं को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट तो हमने पॉइंट बना इंटरसेप्ट तो ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस तो इसको क्या बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट ठीक ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे इसको क्या बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है इसको क्या बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है ठीक है इसको क्या बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट गौर क्लियर थोड़ा सा ठीक है तो इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं द पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्सिस इफ इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट इज एक्स इंटरसेप्ट इफ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस इट इज वाई इंटरसेप्ट अगर वो दोनों जीरो एक्स वैल्यू टू जीरो वाई वैल्यू टू जीरो देन इट्स नोन एज ओरिजिन तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जीरो कॉमा जीरो समझ आवा फिलहाल नोन एज जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल थोड़ा सा पोरस मगर बेसिक यूज़ असल पढ़ना है सो इंशाल्लाह